해줄게 우리가 말. अच्छा सुनो, तुम तुम्हारा बेबिंग वो आर्मी में ज्वाइन होता था, तुमको भी आर्मी में ज्वाइन नहीं होने का था, वो क्या था बताओ हमको? ये फुटबॉलर बनेगा। नहीं, पहले को आर्मी में जाना था ना, यूएस आर्मी के अंदर। हाँ, पर अभी इसको फुटबॉलर बनाए, ये गोलकीपर पर बेस्ट है, पर हम इससे बहुत छीन पाते कभी कभी। अच्छा, जब वही आर्मी में जा रहा था हाँ, तो तुम नहीं क्यों बोला? और फिर जब तुमने डिसाइड किया, तुमने क्या डिसाइड किया तुम अपना बीबी हाँ। के साथ आर्मी में जाएगा? अभी वो फुटबॉलर बनेगा। नहीं नहीं, अभी फुटबॉलर बनेगा, लेकिन पहले जो बनता था उसका बताओ हमको। वो आर्मी तो था। आर्मी था ना हाँ। तो लेकिन तुम क्या जाके करता था आर्मी में? हम खाना बनाना था, और कोई बेस पर आने से हम फिर ही मारना था। मजा आया? हाँ। किस में मजा आया? हमको दकार पर। दकार में ज्यादा मजा आता है पदिंग में? तो आपको कैसा लग रहा है, आपका भाई मूवी पर एक्टिंग कर रहा है? बोलो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अनुपम तांगू, प्लीज स्टेज पर आइए। आपको कैसा लग रहा है, आपका बेटा मूवी पर एक्टिंग कर रहा है? आपको कैसा लग रहा है, आपका बेटा मूवी पर एक्टिंग कर रहा है? आपको कैसा लग रहा है, आपका बेटा मूवी पर एक्टिंग कर रहा है? एक्टिंग कर रहा है। टेक दिस, प्लीज टेक इट ओवर। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, आपने बहुत अच्छा से, बहुत कष से, बहुत अच्छा से एक्टिंग किया, तो मेरे को आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तुमको तो एक्टिंग में मजा ही नहीं आया, तुम बोलता है कि एक्टिंग सजा है। कबीर अंकल तुमको लेके आया, बोलता है कि एक्टिंग मजा आएगा तुमको, लेकिन तुम तो बोला कि एक्टिंग हमारा मजा नहीं, हमारा सजा है। हाँ, तुम क्या बनने का क्या था तुमको? हम अगर एक्टर बन गया तो बन गया ना, अब और क्या करेगा। लेकिन एक्टर जब एक्टिंग करता था धूप के अंदर, तो तुम हमको क्या बोलता था, बेबी सलमान को क्या बोलता था? हमको एक्टर नहीं बनने का, हमको तो शेफ बनने का है। हाँ,
अब क्या बने, अब क्या बनेगा? एक्टर ही बन गया तो एक्टर ही बनना होगा ना। तो फिर वो जो तुम्हारा कपकेक्स का क्या होएगा? कपकेक वो हम घर पर फ्री टाइम पर बनाएगा। वो तुमको वो सीन याद है? कौन सा वाला सीन? हाँ, कौन सा सीन? वो वाला हम लोग दोनों चलता है और फिर अगर तू चीनी नहीं है तो तू बोलेगा हिंदी चीनी बाय बाय, हिंदी चीनी बाय बाय। अगर तू चीनी नहीं है उसका पहले हम एक चीज बोलना चाहते हैं। स्टेज पर पहले से ही चला गया अब लोग चला गया पहले से ही। अगर तू चीनी नहीं है तो तू बोलेगा भारत माता की जय। हाँ, हम बोलेगा भारत माता की जय। लेकिन कैसे बोला था भारत माता की जय? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अच्छा सुन, वो अगर प्रेस मेरे बारे में बुरा लिखेगा तो तू क्या करेगा प्रेस को? प्रेस को और कराते। कैसे कैसे? वापस वो करो तो डर जाएगा फिर सब अच्छा चलेगा। तो कबीर अंकल, आपको क्या लगता है ये मूवी कितना हिट होगा? आपको क्या लगता है ये मूवी कितना हिट होगा? बोलो कबीर सर, प्लीज स्टेज पर। यस कबीर अंकल, हाँ ये अभी तक डाउट था लेकिन अब आज के बाद बहुत बड़ा हिट होगा। पूछा नहीं कि हमको अभी तक पब्लिसिटी में यूज क्यों नहीं किया? आप तो रोक के रखा ना, लास्ट में दिखाना था। बेस्ट हमेशा लास्ट में दिखाते हैं। बेस्ट हमेशा लास्ट पर। जैसे कि एक चिप्स का पैकेट खोला है ना, पहले छोटा छोटा वाला खा रहा है और बाद पर बड़ा बड़ा खा रहे हैं। वो जो राउंड राउंड गोल गोल पीस होता है वो लास्ट में खाते हैं। तो आप बड़ा बड़ा गोल गोल राउंड पीस है आप। अच्छा सुनो, अभी क्या लगता है तुम मुन्नी से ज्यादा पैसा कमा लेगा? हमको पैसा का फिक्र नहीं, हमको बस मूवी बनाना है, वापस घर जाना है। समझी सेस? और हम एक एक्टर बनेंगे। बिपिन सलमान, ये मुन्नी ने बहुत पैसा कमा लिया। एक बार जोर देना तो उससे बहुत ज्यादा कमा लेगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सुपर नॉटी एंड सुपर टैलेंटेड मार्टिन के लिए। सेट का क्या बताएं? सेट का कुछ बताएं? सेट का बहुत गर्मी था और गर्मी पर हमको स्वेटर पहनाए था और पापा को मिमी जूजू सिंदर लगा था। हाँ तो अभी हम कबीर अंकल को रिक्वेस्ट करता है, कबीर अंकल एक स्टूपिड जोक सुनाएगा। ये वापस से बोलो, पापा को कौन सुंदर लग रहा था? मिमी जूजू। और अभी आप कबीर। फॉर मोर बॉलीवुड अपडेट्स सब्सक्राइब नाउ टू youtube.com/biscuittv।